हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के। मैं आपका दोस्त अनस पठान दोबारा आ गया हूँ एक वीडियो के साथ। जो बेसिकली हम जो इस वीडियो में दिखाएंगे कि जैसे हम किसी चीज़ में आग लगाते हैं और पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये हमने आग लगाई और ये आग बुझ गई। तो इस टाइम हम जब पानी डालेंगे आग बुझेगी नहीं, आग बल्कि और बढ़ जाएगी। पूरी वीडियो देखें समझ जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए नॉर्मल कैंडल्स। ये नॉर्मल कैंडल है तो हमें ग्लव्स पहन लें, सेफ्टी ज़रूरी है अपनी। सबसे पहले ये गर्म करना है हमें। और इसमें बस इतनी सी कैंडल डालते हैं। तो ये आग लग चुकी है। आपके सामने देखिए आग लग चुकी है। हम नॉर्मल आग में जब पानी डालते हैं आग बुझ जाती है और क्या होता है, पर इस केस में देखिए आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में ऐसे आइडियाज़ देते रहें और शेयर कर दें इसे। और ऐसी वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल। और ये होता इसलिए, आपने सुना होगा ना कि जैसे किचन में कभी आग लगती है तो हमें उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, जैसे तेल की आग में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सेम उसमें भी यही होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो तेल होता है वो आग पकड़ लेता है। तो मिट्टी विट्टी डाल सकते हो आप आग बुझाने के लिए वहाँ पर, और फायर एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।